जय भीम साथियों, पिछले एक हफ्ते से चल रहे किसान आंदोलन को देश दुनिया भर में हर जगह से समर्थन मिल रहा है और अब इसे और सशक्त बनाते हुए दिग्गज बहुजन नेता भी मोदी सरकार को घेरते हुए इसके समर्थन में उतर आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा है कि अन्नदाता पर प्रहार क्रूरतापूर्वक है, उनकी शर्तें मान लेनी चाहिए, ये भाजपा सरकार के विनाश का कारण बनेगा। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाकात करी। मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा, किसान जमीन को माँ कहते हैं, उस माँ को उससे छीनने की तैयारी है, पूरी मार्केट को अडानी अंबानी को सौंपने की तैयारी हो चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से आ रही है, इस बार मोदी जी इसे लेकर आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने फिर से एक ऐसे वर्ग पर प्रहार किया है जिनकी बदौलत देश चलता है, देश के लोगों का पेट भरता है। यह चिंता का विषय है जब अन्नदाता ही सड़कों पर उतर जाएं। झारखंड में तो सरकार ने किसानों से सीधा धान खरीदने की शुरुआत कर दी है, ये दावा करते हुए कि किसान को 3 दिन के अंतर्गत ही 50% राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर निशाना ताना है। उन्होंने कहा, आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत हैं, जिसमें MSP, मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बची बनी रहे। भाजपा अब खत्म। BSP सुप्रीमो मायावती ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को कानून पर पुनर्विचार करने की हिदायत दी है। जहां दिल्ली पुलिस ने कहीं कहीं बॉर्डर पर बैरिकेड हटाकर यातायात चालू कर दिया है, किसानों ने सरकार के बातचीत और कमेटी बनाने के ऑफर को फिर से ठुकरा दिया है। किसान अभी भी इस बात पर डटे हुए हैं, अडग हैं कि कानून वापस लिया जाए, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दशूद्रा से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।